Now we will discuss about the classification of coal seam on the basis of gradient. Gradient means inclination. अब देखिए इधर एक फिगर को देखिएगा, ये मेरा कोल सीम है। क्या है कोल सीम? कोल सीम हम कभी बताए कैसा रहता है, 100% ऐसा हॉरिजेंटल नहीं रहता, ऐसा हॉरिजेंटल नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो हल्का सा इंक्लिनेशन रहेगा, कहीं ज्यादा रहेगा कहीं कम रहेगा, बस उतना अंतर हो सकता है। हम WCL में 3-4 पिट्स देखे थे बल्लारपुर में, एक हमारे मित्र वहीं काम करते थे, हम बगल वाले एरिया में थे WCL में चंद्रपुर में, तो एक बार गए थे उन्हीं के साथ माइंस, वो सीम था फ्लैट सीम, वैसा बहुत कम जगह मिलता है, ठीक है ना, वो कहीं कहीं हो जाता, गलती से बन गया होगा, ठीक है। और नहीं तो कोल सीम हमेशा इंक्लाइन रहता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ठीक है। तो ये मेरा कोल सीम है, हम आपको डीप फुल डीप स्ट्राइक इनका एक दिन अलग से वीडियो भेजेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका सीम है, कैसा है, ऐसा फ्लेट है क्या सीम? नहीं, ऐसा झुका हुआ है। ये क्या आपका हॉरिजॉन्टल एंगल, जब भी मेजरमेंट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो ये कोल सीम ने इस हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाया इसी को क्या बोल रहे हैं, इंक्लिनेशन या ग्रेडियंट, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप है, ये क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ डिप, कितना झुका हुआ है, इस झुका हुआ है इस सीम का ये बता रहा है, ठीक है। तो हम चार तरीके से बोलते हैं, वैसे ये दोनों को एक साथ भी आप बोल सकते हैं, स्टिप सीम और वेरी स्टिप सीम आप एक साथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लैट सीम किसको बोलेंगे, और एक और बात बता दे रहा हूं, माइनिंग के बच्चों लोग को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कहीं लिखा रहेगा स्ट्राटा, कहीं लिखा रहेगा स्ट्राटम, तो बोलेंगे ये अलग है ये अलग है, नहीं दोनों एक ही चीज है, स्ट्राटा और स्ट्राटम दोनों क्या है, एक ही चीज है। ये सब फॉरेन लैंग्वेज है ना, इसलिए दिक्कत होता है हम लोग को, स्ट्राटा बोलिए या स्ट्राटम बोलिए दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और कोल के लिए हम सीम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन कई बार कोल स्ट्राटा भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। स्ट्राटा कोल पर्टिकुलर वर्ड है कोल सीम, लेकिन कोल स्ट्राटा भी बोलते हैं, कोल स्ट्रेटम भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लैट मेजर्स बोल देंगे तो क्या हुआ, फ्लैट सीम बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा, फ्लैट मेजर्स मतलब जो रॉक है कोल है आपका वो फ्लैट है, ठीक है। फ्लैट सीम किसको बोलेंगे, फ्लैट मेजर्स किसको बोलेंगे, यदि ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है आपका ग्रेडियंट वो किसे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 5 डिग्री से ज्यादा नहीं है, कब बोलेंगे फ्लैट सीम, व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सीम इज लेस देन 5 डिग्री, कितना है 5 डिग्री से कम है, सीम का इंक्लिनेशन 5 डिग्री से कम है, इंक्लिनेशन ऑफ द सीम इज लेस देन 5 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड फ्लैट कोल सीम और फ्लैट मेजर्स, फ्लैट स्ट्रेटम, फ्लैट स्ट्राटा, ठीक है। इंक्लाइंड सीम और इंक्लाइंड स्ट्राटा या इंक्लाइंड स्ट्रेटम कब बोलेंगे, व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सीम इज इन बिटवीन 5 डिग्री टू 18 डिग्री, यदि सीम का इंक्लिनेशन 5 डिग्री से अधिक है 18 डिग्री तक है तब क्या बोलेंगे उसको, इंक्लाइंड सीम। हम हॉरिजन माइनिंग का वीडियो भेजेंगे तो वहां पे जो एप्लीकेबिलिटी कंडीशन में एक बात आता है कि स्टीपली इंक्लाइंड सीम में हम हॉरिजन माइनिंग करते हैं, ठीक है, अंडुलेटिंग सीम में करते हैं, नंबर ऑफ सीम्स है आपका, मल्टीपल सीम्स है, मल्टी सीम है, मल्टीपल सीम बोलिए, मल्टी सीम बात है कि एक से अधिक सीम है, कंटिग्यूस सीम है, वहां पर हम हॉरिजन माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं, बताएंगे हॉरिजन माइनिंग क्या होता है। तो यदि आपको मालूम ही नहीं कि स्टीपली इंक्लाइंड सीम या इंक्लाइंड सीम क्या होता है तो फिर समझने में दिक्कत आएगा, ठीक है, इसलिए इसको भेज दे रहे। स्टीप सीम कब बोलेंगे, यदि इंक्लिनेशन ऑफ द सीम इज मोर देन 18 डिग्री बट लेस देन 40 डिग्री, ये जो एंगल बन रहा है ये 18 से 40 के बीच में है
तो स्टिप सीम। और वेरी स्टिप कब बोलेंगे, जब आपका ये इंक्लिनेशन ऑफ सीम जो है 40 डिग्री से अधिक है, 40 डिग्री से अधिक है, ठीक है, 40 डिग्री से अधिक है सीम का इंक्लिनेशन, तो वेरी स्टिप बोलते हैं। कहने का मतलब आप इसको दोनों को एक साथ बोल सकते हैं, ठीक है, स्टिप ही है ये दोनों, स्टिप सीम या वेरी स्टिप सीम एक ही है। वेरी स्टिपली इंक्लाइंड सीम कहने का मतलब 18 डिग्री से ज्यादा यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया है तो आप उसको स्टिप सीम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका चार क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैट सीम, इंक्लाइंड सीम, स्टिप सीम और वेरी स्टिप सीम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।